हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे समाजवाद के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो अगर हम बात करें समाजवाद की, तो समाजवाद जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणाली है जिसका मुख्य उद्देश्य है समाज में समानता तथा न्याय को बढ़ावा देना। समाजवाद का अगर हम उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य ही है कि समाज में हम समानता को बढ़ाएं, न्याय को बढ़ाएं। ठीक है, इसमें समाजवादी विचारधारा के अनुसार अमीर तथा गरीब लोगों के बीच खाई को कम कर दिया जाता है तथा सभी लोगों को समान अवसर दिए जाते हैं। समाजवाद की जो विचारधारा है ये किस पर जोर देती है? आर्थिक असमानता को कम करने पर जोर देती है। इसमें ये कहा जाता है कि अमीर तथा गरीब लोगों के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाई है आर्थिक असमानता की, उसको कम किया जाए, सभी लोगों को समान अवसर दिए जाए। ठीक है, समाजवाद का मानना है कि आर्थिक संसाधन तथा उत्पादन के जो प्रमुख साधन हैं उनका स्वामित्व तथा प्रबंधन सार्वजनिक या सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है वो सारे कुछ लोगों के हाथ में हो, रिसोर्सेज का डिवीज़न होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, संसाधनों का बंटवारा इस तरीके से होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की ज़रूरतों को अनदेखा ना किया जाए। इसके अलावा इसका मतलब है कि संसाधन किसी एक व्यक्ति या निजी कंपनी के हाथ में नहीं होने चाहिए, बल्कि सरकार या समुदाय के द्वारा नियंत्रित होने चाहिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं समाजवाद में सरकार या संबंधित प्राधिकरण। समाजवाद में सरकार या संबंधित प्राधिकरण जो होता है ये समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाती हैं तथा इसके तहत सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें या बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से जो गरीब वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय तथा समानता मिले, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए, वो आर्थिक शोषण महसूस ना करें। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था में आर्थिक समानताओं को कम करने के लिए राज्य के द्वारा कराधान तथा वितरण की नीतियां बनाई जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संसाधनों का उचित तथा समान वितरण हो, सभी को उनकी ज़रूरतों के अनुसार सेवाएं तथा सुविधाएं मिल सकें। कुल मिलाकर समाजवाद का अगर हम उद्देश्य देखें तो समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को कम करना ताकि सभी लोग एक समान तथा न्यायपूर्ण जीवन जी सकें। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।